हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं अपने बैचेस का अपडेट देने वाला हूं। तो जो 2024 के लिए 2024 में जो भी एग्जाम्स हैं, जैसे जैम एग्जाम के लिए हमने चार बैच इस बार चलाए थे, बैच वन से बैच फोर तक। गेट के लिए हमारा बैच फाइव बैच सिक्स था, पांचवा छठा बैच गेट के लिए था, और अभी सेवेंथ बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है लाइव। ये सब लाइव बैच की बात कर रहा हूँ। तो लाइव स्टार्ट होने वाला है हमारा 15 फरवरी से, ये लाइव होगा सीयूईटी का, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू पिछले 5-6 साल करेंगे और साथ में मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस होगा इसमें। फिर हम लोग अभी सीएसआईआर नेट 2024 का पीवाईक्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पीवाईक्यू बैच है, बैच 8 इसका नाम रखा हमने। तो ये 15 फेब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पीवाईक्यू बैच होगा। इसमें हम लोग सीएसआईआर नेट के पिछले 10 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10-15 साल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मेनली स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, लीनियर अलजेब्रा, ये मेनली डिस्कस करेंगे, यूनिट 1 एंड 4, यूनिट 4 और यूनिट 1 के पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा मैं। तो उसमें आ जाता है लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियलिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया और स्टैटिस्टिक्स पूरा हो गया, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। ये हम लोग 15 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर सीयूईटी एग्जाम का जब खत्म हो जाएगा, जैसे जैम का एग्जाम अभी हो गया, जैम के बाद हम लोग सीयूईटी स्टार्ट कर रहे हैं। सीयूईटी का बैच जब सीयूईटी का जब एग्जाम हो जाएगा, तब हम लोग आईएसआई का बैच स्टार्ट करेंगे, जो इसका नाम हमने बैच 9 रखा है, और वो आफ्टर सीयूईटी बैच स्टार्ट होगा। और तो इस सेशन में टोटल मेरे 9 बैच मतलब हुए 2024 एग्जाम के लिए, 9 बैच मैंने चलाए थे डिफरेंट। अब 2025 एग्जाम के लिए, जो 2025 में होंगे, चाहे पहले जैम का होगा, फिर उसी टाइम पे गेट का होगा, फिर सीयूईटी का होगा, उसके बाद आईएसआई का होगा और नेट का भी होगा ऐसे, तो उसके लिए हमारा बैच 15 फरवरी से आ रहा है, ठीक है ना। तो 15th फेब से हमारा सीयूईटी 2024 के लिए बैच है, और जैम 2025, गेट 2025 और सीएसआईआर नेट का भी, जो अभी मई जून में एग्जाम होगा 2024 में और दिसंबर 2024 में, उसके लिए भी। तो इसमें भी सर पीवाईक्यू करा रहा हूँ अभी, फुल सिलेबस नहीं, अभी मैं सिर्फ इसमें पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यू कराऊंगा, क्योंकि एक साल में 2 एग्जाम होते हैं। तो मैं पिछले अगर 8-10 साल का भी पेपर कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे पेपर हो जाएंगे, तो जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे करने का। इसका फीस अराउंड ज्यादा नहीं रहेगा, मैं देखता हूँ कितना रख सकता हूँ, मेनली 1000-1500 ही रहेगा, ज्यादा नहीं रखेंगे। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले, बस ये बताना था। और जिन लोगों को 2025 का ज्वाइन करना है, तो फीस का क्या है, जो सीयूईटी 2024 का स्टार्ट होने वाला है, इसका फीस हमने 1500 रखा है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिलेगा सीयूईटी पैटर्न पे, और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी कराऊंगा मैं, फिर आपको पीवाईक्यू का लाइव सॉल्यूशन भी होगा। इसका फीस 1500 है। अगर सीयूईटी के फुल सिलेबस का लेक्चर चाहिए आपको, साथ में पीवाईक्यू रिकॉर्डेड, जो कि पिछले साल के 2023 एग्जाम वाले हैं, तो वो आपको 1000 रुपीज में मिलेंगे, वो अलग से है। अभी इसका कॉस्ट, अभी मैंने जैसे सोचा है कि मैं 1000 ही रखूंगा इसका, ज्यादा नहीं, 1000 रुपये होगा। और इसका जो कॉस्ट है आईएसआई का, इसका ज्यादा इसका भी नहीं रखूँ, इसका देखता हूँ मैं क्या रख सकता हूँ, मेनली 2500 इसका रखूंगा मैं। और इसका जो होगा, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब 10000 रुपये रखा हुआ है, जैम 2025 के लिए जो फीस है 10000 है, गेट 2025 का 10000 है। और तो जो जैम की फीस ले रहा हूँ उसमें सीयूईटी भी इंक्लूडेड है एक्चुअली, ठीक है, जैम और सीयूईटी उसमें ही है। गेट का 10000 है और जैम का 10000, जैम में ही सीयूईटी और आईएसआई का फीस इंक्लूडेड है 2025 के लिए, ठीक है, थैंक यू।